नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य विज्ञान क्लास नंबर 13, सेट नंबर 13 हम कह सकते हैं। एवरी वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और इस क्लास में भी हम 40 करेंगे। अब 40 गुणा 13 कर लीजिए, कितने क्वेश्चंस हो गए, 500 क्वेश्चन आज को मिला के आप कर लोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे फिजिक्स को कर रहे हैं, इस बुक को लूसेंट ऑब्जेक्टिव। मैंने क्या बोला था कि साइंस को पढ़ने के लिए लूसेंट को थ्योरी आप खुद से पढ़िए, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की मैं क्लास चला देता हूँ, रुक्मणी पब्लिकेशन की मैं क्लास चला देता हूँ, और आपका एनसीईआरटी मैं लास्ट में कराऊंगा। इसके अलावा हमारा साइंस का पीडीएफ है, वहां से कर सकते हो। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी जो हमारा रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है, एप्लीकेशन पे लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें 70% ऑफ चल रहा है, ठीक है। लगभग 15 से ज़्यादा, मैं 20 के समथिंग मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा, जिससे आप ऑनलाइन लगा सकते हो, हर दो दिन पे एक सेट लगा सकते हो, तो 99 में अभी मिल रहा है, जाके ले सकते हो। ये टॉप 500 स्टूडेंट के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड करो, वहां से प्रैक्टिस सेट को दो, एक डेमो टेस्ट भी है, उसको आप फ्री में लगा सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं यहाँ पे सेशन को। स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक और चीज, स्टैटिक जीके का क्लास का और प्लस पीडीएफ का ये कंप्लीट एक कॉम्बो पैक आने वाला है जल्दी एप्लीकेशन पे, वो आपको 2 या 3 दिन में मिल जाएगा, ठीक, जिसमें क्लास भी होगी पीडीएफ भी होगी। साइंस की बात करें, इसका पीडीएफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं इसको भी लेके। अब आइए बात करते हैं पीडीएफ के बारे में, जो हमारे फ्री वाले पीडीएफ हैं वो इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, किसने दिखलाया था सर्वप्रथम कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों का विवर्तन होता है, तो किसने दिखाया था भाई, इसका आंसर होगा ग्रिमाल्डी। ग्रिमाल्डी ने दिखलाया था कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों का विवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 क्या है भाई, 2 है आपका विद्युत क्रांपटन, सॉरी प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, इसका आंसर क्या होगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था आपके आइंस्टीन ने, किसने किया था, आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवण, ध्रुवण यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्वनि और प्रकाश दोनों में घटित नहीं होती, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा ध्रुवण, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, किसी अवरोध का की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, किसी अवरोध की कोर या किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं भाई डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट या फिर विवर्तन, क्या बोलते हैं, विवर्तन या डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए मान लीजिए अगर जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से वन लाइनर नोट्स बनाया होगा उनका कितना अच्छा बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा साइंस का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है किस प्रकार की, तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है ना वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की परिघटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो परिघटना होती है, जो घटना होती है उसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें क्या होती है, किस प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 9, सूर्य लगभग 4×10^26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है, सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने में उसके द्रव्यमान की दर कितने से कम हो रही है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4×10^9 4×10^9 किलोग्राम प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने, किसने, रोमर ने ज्ञात किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है,
प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो बात करें प्रकाश के वेग की, लाइट की, तो सबसे अधिकतम मैक्सिमम की बात करें निर्वात में होता, वैक्यूम में होता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, माध्यम में अगर जो माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाए तो प्रकाश की गति क्या होगी, वैसी ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जल कांच हीरे में प्रकाश के चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होगी। ठीक है, तो जल कांच हीरे के क्रम बनाया जाए तो सर्वाधिक प्रकाश की चाल आपका वाटर में होगी, जल में होगी, उसके बाद कांच में होगी, उसके बाद आपके ठोस यानी कि हीरे में होगी, यानी कि जल कांच हीरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, इसका आंसर क्या होगा भाई, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1.28 सेकंड लगता है, 1.28 सेकंड, ऑप्शन में नहीं है ना, 1 सेकंड है ना, आसपास लगा सकते हो इसका आंसर। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 1.28 सेकंड लगता है, एवं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगभग 16.6 ये सेकंड लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.28 सेकंड लगता है। ठीक, चलिए अभी देखो क्वेश्चन आ गया, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, तो अभी मैंने बताया कि 8 मिनट 16.6 सेकंड, तो ऑप्शन में 16.6 सेकंड नहीं है, 8 मिनट दिया, तो हम 8 मिनट लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश के वेग की बात करें कितना होता है भाई, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3×3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाइट ऑफ स्पीड यानी कि प्रकाश का वेग। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है, ये अगर जो सूर्य की बात करें, चंद्रमा आके ढक लेता है तो हमें कौन सा भाग दिखाई देगा, किनारे किनारे वाला, जिसको बोलते हैं कोरोना, क्या बोलते हैं, कोरोना, कोरोना या किरीट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अंगूठी की छल्ले की आकार की आकृति हमें दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, 460 सेकंड लगभग होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, क्या होता है भाई, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी, एक सॉरी ये होता है आपका क्या होगा, चंद्रमा बीच में हो, ठीक है, चंद्रमा बीच में, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये सन है मान लो और ये पृथ्वी है और यहाँ पे बीच में चंद्रमा आ जाए यानी कि सूर्य को ढक ले, तो आपका क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण। ठीक, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 20, चंद्र ग्रहण कब होता है भाई, चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण ध्यान रखिएगा अमावस्या का होता है और चंद्र ग्रहण की बात करें ये पूर्णिमा के दिन होता है, ये पूर्णिमा के दिन होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे रहे और उसकी प्रछाया में आ जाता है तो आपका चंद्र ग्रहण घटित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, अगर जो आपसे पूछे चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, अमावस्या के दिन, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, सूर्य ग्रहण कब होता है, देखो सूर्य ग्रहण दिन यानी कि अमावस्या यानी कि प्रतिपदा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है भाई, काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें, इसके कई एग्जांपल है, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई धरार का चमकना, ये सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानी से भरे किसी बर्तन में एक पड़ा सिक्का किस कारण से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, किस कारण से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे द्रव में डूबी हुई छड़ थोड़ी हमें टेढ़ी दिखाई देती है, पानी में डूबा हुआ सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है,
तारों का टिम 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 टिमाना भी आपके प्रकाश की अपवर्तन का एग्जाम्पल है। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। जल में बड़ी मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, ये भी आपके प्रकाश की अपवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। आगे चले, पानी में लटकाए हुए बैठे पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, इसका क्या कारण होगा? इसका भी कारण होगा आपका, क्या कारण होगा भाई? इसका कारण होगा अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई 25 है आपका? एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी की बात करें, सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्र के समान रंग दिखाई देने लगते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसमें देखो, जब भी आपका इंद्रधनुष बनता है तो इसमें परावर्तन एवं विवर्तन दोनों की परिघटना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगी, इसकी व्याख्या परावर्तन और विवर्तन की घटना के आधार पर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर बात करें 26, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल में क्या बताया था? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? जल के अंदर मौजूद किस भी व्यक्ति को किस कारण से जल की सतह की, देखो इसका भी आंसर यार यही तो हो, सेम अलग अलग तरीके से पूछा है। ठीक है, मछली ऊपर क्यों दिखाई देती है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके पूछ दिया, आंसर तो वही होगा ना, प्रकाश का अपवर्तन इसका बदल थोड़ी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में ऐसा किस कारण से प्रतिभासित होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर प्रकाश का अपवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 29, जब प्रकाश की किरण विलयन माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है भाई? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है जब प्रकाश की किरण विलयन माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, कहाँ जाती है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ होती है, तो यहाँ पे क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, इंद्रधनुष किस कारण से बनते हैं भाई? तो जब अपवर्तन और परावर्तन की घटना साथ में होती है तो इंद्रधनुष बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होते हैं इंद्रधनुष, कब बनते हैं? जब अपवर्तन और परावर्तन की घटना साथ में हो तो इंद्रधनुष बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 32, मृग मरीचिका बनाने की परिघटना को क्या कहते हैं? ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैंने समझाया था भाई, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने बताया था कि हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनेली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपिक किस घटना पर आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो एंडोस्कोपिक जो यंत्र होता है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एंडोस्कोपिक होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ठीक है, जो तल होता है अगर जो किसी तरल से भरा है तो ये जो तल है ये कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किस परिघटना के कारण? तो इसका भी आंसर अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अपवर्तन का जो एग्जांपल्स है मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, द्रव में डूबी हुई छत टेढ़ी दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, जल में पड़ी मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देना, सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, और बात करें तरल से भरे हुए बीकर का तल किस जो तल होता है वो कुछ ऊपर दिखाई देना, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये अपवर्तन के हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कहां से कहां जाए? कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जाए तो क्या हो सकता है? सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्यों भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा चमकीला या चटकीला, अभी मैंने बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन व आंतरिक परावर्तन, देखो दोनों घटनाएं होती है मैंने बताया था। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 38, इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं भाई, कितने रंग होते हैं? विबग्योर 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39, प्रकाशी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, संबंधित माध्यम युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो ये क्या करती है भाई, ये समग्र आंतरिक परिवर्तन करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 40 क्वेश्चन, टोटल 6 से 7 क्लास आपके और इसमें बचे हैं फिजिक्स में, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे और सेम इस वीक में आपका ये भी खत्म हो जाएगा, लूसेंट का फिजिक्स और रुक्मणी का आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। यानी कि रुक्मणी में आपका फिजिक्स इसी अगले वीक स्टार्ट हो जाएगा और लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, ठीक है। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, ऑफर चल रहा, डिस्काउंट चल रहा, उसका फायदा उठाओ, ठीक। चलिए मिलते हैं शुरू में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।